ऑप्टिकल प्रॉब्लम है, अ मैस ऑफ अ 50 ग्राम इज अटैच्ड विद वन एंड ऑफ अ स्प्रिंग। एक स्प्रिंग के एंड के साथ एक मैस अटैच है, ये कोई भी एक स्प्रिंग है, इसके साथ 50 ग्राम का मैस अटैच है और ये स्प्रिंग दूसरे एंड से फिक्स है। ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इसका के है 10 न्यूटन पर मीटर, होज अदर एंड इज टाइड विद अ वॉल। फाइंड द पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स ऑसिलेशन। वी हैव मैस 50 ग्राम विच इज इक्वल टू 0.05 किलोग्राम। स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के इज 10 न्यूटन पर मीटर। वी हैव टू फाइंड टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। फॉर मैस स्प्रिंग सिस्टम टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर द रूट एम ओवर के। 2 पाई अंडर द रूट मैस इज 0.05 डिवाइडेड बाय 10 एंड योर आंसर विल बी 0.444 seconds, and frequency is the reciprocal of time period. It will be equal to 1 hour 0.44 seconds. So the frequency is 2.25 hertz. The next topic is डैम्प्ड ऑसिलेशंस। सिंपल हार्मोनिक मोशन का यूनिट है और सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है। जो एग्जांपल्स हमने पढ़ी हैं मैस स्प्रिंग सिस्टम की, उसमें हमने कंसीडर किया था कि जिस सरफेस पे मैस मूव कर रहा है, राइट लेफ्ट वाइब्रेट कर रहा है टू एंड फ्रो, वो सरफेस फ्रिक्शन लेस है। जब सरफेस फ्रिक्शन लेस होगी तो उस टाइम पे वो मैस स्प्रिंग सिस्टम में जो मैस अटैच है वो इनडेफिनेट टाइम के लिए मूव करता रहेगा, वो कभी नहीं रुकेगा क्योंकि उसको अपोजिंग फोर्स कोई नहीं मिल रही। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा सिस्टम कोई एग्जिस्ट नहीं करता कि जिसमें फ्रिक्शन ना हो। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई भी मैस स्प्रिंग सिस्टम नहीं होगा कि जिसको एक दफ़ा हम मूव करा दें और वो मूव ही करता रहे और रुके ना। हर मैस स्प्रिंग सिस्टम में मैस कुछ टाइम के बाद स्टॉप कर जाएगा ड्यू टू द अपोजिंग फोर्स ऑफ द सरफेस ऑन विच इट इज प्लेस्ड। और इससे पहले हम 9th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि जहां पे भी फ्रिक्शन आती है वहां पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे मोशन हो रही है, इट मींस मैकेनिकल एनर्जी है बॉडी में। अगर मैस मूव कर रहा है तो उसके पास मैकेनिकल एनर्जी है, तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी टाइम पास होने के साथ साथ हीट एनर्जी में। वो कन्वर्ट क्यों होगी या कम क्यों होगी? फ्रिक्शन की वजह से। द फ्रिक्शन रिड्यूसेस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज द टाइम पासेज। टाइम पास होने के साथ साथ जो फ्रिक्शन है वहाँ पे वो मैकेनिकल एनर्जी को रिड्यूस करती जाएगी, इट मींस मोशन कम होती जाएगी और टाइम पास होने के साथ साथ वो ऑब्जेक्ट जो है वो रुक जाएगा। इस टाइप की जो मोशन होगी दैट मोशन इज कॉल्ड एज डैम्प्ड मोशन और डैम्प्ड ऑसिलेशन। बॉडी स्टिल ऑसिलेट कर रही है, टू एंड फ्रो मूव कर रही है, लेकिन
वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए मूव नहीं कर रही, वो कुछ टाइम के बाद रुक जाएगी। और हर सिस्टम में ऐसे ही होगा, कोई सिस्टम इनडेफिनेटली मूव नहीं करेगा। दिस डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ मोशन एज शोन इन फिगर। अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस का हम ग्राफ बनाएं, फ्रिक्शनलेस मास स्प्रिंग सिस्टम का, तो उसने बार बार एक ही एम्पलीट्यूड पे, एक ही एक्सट्रीम पोजीशन पे जाना है, दोनों साइड पे बराबर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो पीक्स आएंगी हमारे ग्राफ में, मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए जो फ्रिक्शनलेस होगा उसमें ये पीक सेम रहेगी। लेकिन ऐसा सिस्टम जो फ्रिक्शन की वजह से मोशन उसकी रुक जाएगी, वो स्टॉप हो जाएगा, इसका मतलब है कि पहले उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, पहले वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड पे जाएगा, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता वो स्टॉप हो जाएगा। तो उसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो वो बनेगा, सबसे पहले मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, उसके बाद सेकेंड एक्सट्रीम पोजिशन उतनी नहीं है जितनी टॉप पे गया है, कम एक्सट्रीम पोजिशन तक गया है, उसके बाद इसकी मोशन आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, स्टॉप करने की तरफ जा रहा है, एम्पलीट्यूड इसका कम होता जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ये स्टॉप कर जाएगा। द वेरिएशन ऑफ द एम्पलीट्यूड विद टाइम ऑफ डैम्पिंग सिस्टम, ये ग्राफ है किसी भी डैम्पिंग सिस्टम का, जो डैम्प ऑसिलेशन होगी जिसने कुछ टाइम के बाद स्टॉप कर जाना है, ये उसका ग्राफ है। अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमारे पास किधर है, हम डेली लाइफ में इस सिस्टम को यूज़ करते हैं, मोटर बाइक्स, ऑटोमोबाइल्स, इनके जो शॉक एब्जॉर्बर हैं वो इसी सिस्टम के ऊपर वर्क करते हैं। अगर शॉक एब्जॉर्बर का जो स्प्रिंग है वो उसके अंदर फ्रिक्शन ना हो, तो इसका मतलब ये है कि जब किसी भी जंप से कोई व्हीकल पास करेगी तो वो शॉक्स जो हैं वो मूव करते रहेंगे, जो भी व्हीकल है वो अप एंड डाउन इनडेफिनेट टाइम के लिए मूव करती रहेगी, इसका मतलब है हमें जर्क फील होता रहेगा। वहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि जिस टाइम पे कोई भी व्हीकल जंप से पास करे या कोई भी हिंड्रेस आई है उससे अगर पास करती है, तो हम अप एंड डाउन मूव ना करते रहें, बल्कि वो जर्क जो थोड़ा सा आना है उसके बाद वो अप डाउन मोशन उसकी ख़त्म हो जाए और जो भी व्हीकल है वो स्मूथली मूव करती रहे। तो उसके लिए हम जो सिस्टम बनाते हैं शॉक एब्जॉर्बर का, उसमें ये डैम्प ऑसिलेशन का ही कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है, जिसमें एक स्प्रिंग होता है और एक साइड पे फ्लूड होता है जो पिस्टन के अंदर फिल्ड होता है। जिस टाइम पे कोई भी जर्क आता है, तो ये हमारे पास ये फिगर दिखाई हुई है शॉक एब्जॉर्बर की, उसका इनसाइड व्यू है, ये पिस्टन के अंदर ऑयल फिल्ड है और दूसरी साइड पे स्प्रिंग है। जब जर्क का ये साइड कार के साथ अटैच है, ये पिस्टन है, एक लिक्विड है, और दूसरी साइड एक्सल के साथ अटैच है गाड़ी के। जिस टाइम पे भी जर्क आएगा ये प्रेस होगा ऊपर, ऊपर की साइड पे ये शॉक प्रेस होगा, स्प्रिंग अपवर्ड डायरेक्शन में पुश होगा, और फिर ऐसा नहीं होगा कि अप एंड डाउन मूव ही करता रहे, बल्कि ये एक दफ़ा जर्क लेने के बाद उसकी इसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा और बहुत थोड़े से टाइम इंटरवल के अंदर अंदर ये रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा और इसकी मोशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। यही एग्जांपल इधर डिस्कस हुई हुई है, शॉक एब्जॉर्बर इन ऑटोमोबाइल्स आर वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डैम्प मोशन। और इसकी मेन चीज़ क्या है, वेन द कार ट्रेवल्स अवर अ बम्प ऑन द रोड द कार में वाइब्रेट वायलेंटली, द शॉक एब्जॉर्बर्स डैम्प दीज वाइब्रेशन। जो शॉक एब्जॉर्बर है, जो शॉक्स जिनको हम कहते हैं, वो इन वाइब्रेशन को डैम्प करता है, कम करता है, इनका एम्पलीट्यूड कम करता जाता है, एंड कन्वर्ट देयर एनर्जी इन टू हीट एनर्जी। और जो उसके पास एनर्जी आती है, मैकेनिकल एनर्जी, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जो ऑयल इसके अंदर फिल्ड है वो हीट अप हो जाता है, तो मैकेनिकल एनर्जी जो मोशन है वो कन्वर्ट हो गई है हीट एनर्जी में। दस द ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स, किसी अपोजिंग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स की प्रेजेंस में जो ऑसिलेशंस होंगी, दैट ऑसिलेशंस विल बी कॉल्ड एज डैम्प ऑसिलेशंस। व्हाट आर डैम्प ऑसिलेशंस? डैम्प ऑसिलेशन में पहले डेफिनेशन लिखेंगे, द ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर डैम्प ऑसिलेशन।
After that, you will write explanation for how damping progressively reduces the amplitude of oscillation. Your explanation will start from the first paragraph. You can start the second paragraph from here. The friction reduces the mechanical energy. और उसके बाद एग्जाम्पल की हेडिंग है, और एग्जाम्पल की हेडिंग में भी आप इसको व्हेन द कार ट्रेवल्स इसको सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट कर सकते हैं. एंड योर कंप्लीट दिस टॉपिक विल बी द आंसर विद हेडिंग्स. रेहान खान. फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ टॉपिक वाइब्रेटरी मोशन ऑफ आइडियल सिस्टम. सिंपल हार्मोनिक मोशन और डैम्प्ड ऑसिलेशन जितना हमने पढ़ा है, इसकी एक अच्छी एनिमेशन मुझे ये नेट पे मिली है. इसमें आपको तमाम एनर्जीज और डैम्पिंग का जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सकता है. आई एम गोइंग टू अटैच सम मैस विद द स्प्रिंग. द वैल्यू फॉर द मैस इज 155 ग्राम. दिस इज अ स्प्रिंग. लेफ्ट साइड पे ये एनर्जीज हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. दिस इज थर्मल एनर्जी एंड द टोटल एनर्जी. मेन चीज़ जो आपने नोट करनी है, जो हमने डिस्कस किया है कि मेन पोजीशन पे एनर्जी क्या होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे कौन सी एनर्जी ज़ीरो होती है, कौन सी मैक्सिमम होती है, एक ये आपने यहाँ पे देखना है. स्टिफनेस बढ़ाने से स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के उसको इंक्रीज और डिक्रीज करने से क्या इफेक्ट आता है, और उसके साथ साथ एंड पे हम देखेंगे कि डैम्पिंग प्रैक्टिकली कैसे वर्कआउट करती है. ये मैस स्प्रिंग सिस्टम है जिसके साथ एक मैस अटैच है, और इसकी मेन पोजीशन तकरीबन यहाँ पे करके है. एनर्जीज़ को आप देखें, जब ये किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है उस टाइम पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ दो टाइप्स की डिस्कस हो रही हैं. एक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. जब ये अर्थ से दूर जा रहा है तो इसका मतलब ये है उस पीक पे, यहाँ पे टॉप पे इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और जब ये नीचे आ रहा है उस टाइम पे स्प्रिंग स्ट्रेस्ड है और स्प्रिंग की जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम होनी चाहिए. एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे आप देखेंगे कि ये जो ग्रीन लाइन है ये ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि वो एंड पे जाके रेस्ट कंडीशन पे जाता है, मोशन ज़ीरो हो जाती है. दैट्स वाई एक्सट्रीम पोजीशन टॉप एंड बॉटम बोथ पे ये काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है. और अगर आप टोटल एनर्जी देखें तो टोटल एनर्जी रिमेंस द सेम. दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. किसी भी टाइम पे एनर्जी सेम है. ये तीनों एनर्जीज ऐड हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, एक अपनी वैल्यू दूसरे को दे रहा है, दूसरा तीसरे को दे रहा है, लेकिन वो ऐड और सब्ट्रैक्ट होने के बाद किसी भी पॉइंट पे टोटल एनर्जी सेम रहती है. जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी कम है, जिस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी कम है. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जीज. और अभी आप स्प्रिंग कांस्टेंट को देख लें कि स्प्रिंग की स्टिफनेस हम जितनी बढ़ाते जाएं उतना जो है ये स्प्रिंग हार्ड होता जाएगा और इसकी मोशन कम होती जाएगी, इसके एम्पलीट्यूड कम होंगे. ये मैक्सिमम स्टिफनेस तो यहाँ पे पॉसिबल है, और जितना स्प्रिंग की स्टिफनेस ज़्यादा है उसकी उसका एम्पलीट्यूड उतना ज़्यादा है, उतना वो सॉफ्ट है, हम उसको ईजिली स्ट्रेच कर सकते हैं. दिस इज़ अबाउट स्प्रिंग स्टिफनेस. और अभी जो है हम डिस्कस करते हैं डैम्पिंग को. इस टाइम पे कोई डैम्पिंग नहीं है, मींस देयर इज नो फ्रिक्शन. तो ये इनडेफिनेट टाइम के लिए ये सिस्टम मूव करता रहेगा. लेकिन मैं अब डैम्पिंग की वैल्यू अगर इंक्रीज करता हूँ, यानी कि इसमें कोई फ्रिक्शन लाते हैं, एयर है, कोई लिक्विड है, और उसमें अगर हम ये मैस प्लेस कर दें, एक पिस्टन का आप सिस्टम ले लें,
उसमें ये कैसे बिहेव करेगा, ये मैंने थोड़ी सी इसमें डैम्पिंग की वैल्यू लाई है और ये आहिस्ता आहिस्ता स्टॉप कर गया। वही एग्जांपल ने शॉक एब्जॉर्बर की, एक जर्क आया है और ये जर्क के बाद आहिस्ता आहिस्ता स्टॉप कर रहे हैं। अभी इसकी डैम्पिंग कम है और अगर इसकी डैम्पिंग और ज़्यादा कर दें फिर क्या होगा, ये जल्दी से स्टॉप कर गया, और इसकी डैम्पिंग फर्दर इंक्रीज कर दें फिर फौरन से उससे भी कम टाइम में ये स्टॉप कर जाते हैं। नाउ यू कैन सी द एप्लीकेशन ऑफ डैम्पिंग, फ्रिक्शनलेस ऑसिलेशंस एंड द रेजिस्टिव ऑसिलेशंस।